Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is communication, sampreshan, concept, process, principles and barriers. कंसेप्ट क्या है कम्युनिकेशन का, संप्रत्यय क्या है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, कौन से सिद्धांत हैं जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, उसको उसके कारक हैं, निर्धारक हैं, और कौन बाधक तत्व हैं संप्रेषण में, तो ये जानना है हमें. तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की. देखिए, कम्युनिकेशन ऐसा टॉपिक है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, आपका ज्यादातर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि जो वहां दिखाते हैं, ये बताते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है आपको, क्योंकि आप बिजनेस, आप चेयर होल्डर हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज से कैसे बात करनी है. और हम यहाँ चूंकि इसको एजुकेशनल सेटअप में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ कम्युनिकेशन का अर्थ टीचर जो क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहा है उससे है. इसलिए यहाँ पे जो सेंडर होगा वो टीचर होगा और जो रिसीवर होगा वो स्टूडेंट होगा. आप इसी संदर्भ में ये जो भाषा है इसको समझने का प्रयास करेंगे. हो सकता है कहीं कहीं वो चेंज ना हुआ हो और आपको मैनेजमेंट वाला पुट मिले, लेकिन आप उसको अपनी क्लासरूम समझ के समझेंगे. तो कम्युनिकेशन क्या है? The word communication has been derived from the Latin word communicare, which means to share. यानी कि कुछ साझा करना संप्रेषण है. कम्युनिकेशन में therefore be defined as the process of sharing. यानी कि ये कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या है, ये प्रक्रिया है शेयरिंग की. हमें कुछ एक्सचेंज करना है. क्या एक्सचेंज करेंगे हम? इंफॉर्मेशन हो सकती है, सूचना, विचार, थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवेगों का, भावनाओं का, विचारों का, सूचनाओं का शेयरिंग, एक्सचेंज ही कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. ये द्विध्रुवीय, टू वे प्रोसेस है. मतलब एक आदमी जो बोल रहा है दूसरा रिसीव भी करेगा, अदरवाइज वो अधूरा रह जाएगा कम्युनिकेशन अगर रिसीव नहीं होता है तो. इन्वॉल्विंग ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर. इसमें क्या होता है कि सूचना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे तक या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाती है. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग नॉन वर्बल एंड वर्बल इंफॉर्मेशन इन ए चैनल दैट इंक्लूड्स अ सेंडर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ रिसीवर. इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि ट्रांसमिट करना है, हमको भेजना है. हम कभी कभी नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे क्लास में आप बच्चों को सिर्फ घूरते हैं. अगर आप गुस्से में हैं तो आप कभी क्लास में किसी बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है तो आप उसको सिर्फ शाबाशी में भी देखते हैं. जरूरी नहीं आप हमेशा वर्बल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वर्बल तो होती ही है. इन ए चैनल, एक चैनल या मीडियम के थ्रू होती है. इसमें कौन कौन होगा? एक सेंडर, यानी कि सेंडर यहाँ पे आपका टीचर है, एक मीडियम जिसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, और एक यानी कि आपका स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कम्युनिकेशन इज द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, नॉलेज एक्सेट्रा बाय मींस ऑफ स्पीच, राइटिंग और एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन कम्युनिकेशन हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द आइडिया ऑफ म्यूचुअलिटी. यानी कि कम्युनिकेशन में आप इम्पार्ट करते हैं, कन्वे करते हैं या एक्सचेंज करते हैं विचारों को, ज्ञान का, बाय मींस ऑफ, हम बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, या कोई और कम्युनिकेशन का मीडियम हम डिफाइन कर सकते हैं. हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द आइडिया ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी कि म्यूचुअल का मतलब कि दो, मतलब आपने किसी को मैसेज किया है तो वो एक्नॉलेज भी उसको करेगा, तब जाकर वो मैसेज कंप्लीट माना जाता है. जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप पर ही कोई मैसेज आपको भेज रहे हैं तो हम कहते हैं ना काइंडली एक्नॉलेज दिस मैसेज, अदरवाइज हमने बोल दिया, आपने सुना ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन अधूरा है. अच्छा, I'm sorry, Oxford Dictionary वाली definition दो बार आ गई. ठीक, तो the concept of communication refers to how communication is done and what is needed for effective communication. यानी कि जब हम communication के concept की बात करेंगे तो उसमें ये आएगा कि communication कैसे किया जाता है और प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है. The concept of effective communication includes the sender, encoding, the receiver, the message, the language, the channel, the medium, decoding, the noise, the environment and feedback. ये सब आप जब process of communication पढ़ेंगे या जब elements of communication पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हम चाहते हैं प्रभावी संप्रेषण करना, तो उसमें क्या क्या आएगा? सेंडर यानी कि टीचर आपका, उसने जो मैसेज दिया उसको इनकोड करना, अगर ग्राफिक है, अगर वो पैटर्न है, अगर वो लैंग्वेज है, जो भी है उसको इनकोड करना है ना.
और रिसीवर जो इनकोड करेगा, मैसेज जो कि उसने भेजा है, लैंग्वेज जिस भाषा में उसने भेजा है, दी चैनल या दी मीडियम, दोनों कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं, डीकोडिंग उसको डीकोड करना, दी नॉइज जो इंटरफेरेंस है, जो बैरियर है उसको नॉइज कहा जा रहा है, दी एनवायरमेंट पर्यावरण, और फीडबैक प्रतिपुष्टि. Communication is the actionable transfer of information from one person, group or place to another by writing, speaking or using a medium that provides a means of understanding. बार बार वही बात आ रही है कि communication क्या है, हम transfer कर रहे हैं किसको, information को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूहों तक, या तो लिख के या बोल के या कोई medium use करके जिसमें कि understanding या mutuality की बात होगी. ठीक है, फिर अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो एरिस्टोटल, देखिए अरस्तु साहब संप्रेषण पे भी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पे अरस्तु साहब ने बात ना की हो. अरस्तु कह रहे हैं, कहते थे, कह के गए कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टू स्पीक ऑफ ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई दीज थ्री. उन्होंने कहा कि अगर हम संप्रेषण के मॉडल की बात करें तो उसमें तीन होंगे. कौन कौन होगा, स्पीकर या सेंडर या टीचर आपका, दी स्पीच या दी मैसेज एंड दी ऑडियंस. है ना, बिना ऑडियंस के हम खाली क्लास में तो पढ़ाएंगे नहीं, है ना, तो ऑडियंस बहुत जरूरी है. और अगर हम रीसेंट टाइम में बात करें तो मोर वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ हैरोल्ड लेसवेल एंड डेविड बर्लो. हैरोल्ड जो लेसवेल है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए और इनका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस जो है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इनका बहुत मोस्ट फेमस एक्सप्रेशन हुआ जो कि ये कहते थे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या आपको जानना है. पांच चीजों की उन्होंने बात की. हु यानी कौन दे रहा है मैसेज, सेज व्हाट यानी उसका मैसेज क्या है, थ्रू विच चैनल किस चैनल से मैसेज दे रहा है, टू हूम किस को दे रहा है, जिसमें चार ही है, नहीं नहीं एक और है, विद व्हाट इफेक्ट और उसका क्या प्रभाव आ रहा है, मतलब फीडबैक उसका क्या मिल रहा है. तो इन पांच बातों की उन्होंने बात जिक्र किया अपने मॉडल में. इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट फोर एलिमेंट्स, द सोर्स, द मैसेज, द चैनल एंड द रिसीवर. इसीलिए इसको SMCR मॉडल भी कहते हैं. सोर्स यानी कि टीचर या सेंडर, मैसेज जो वो मैसेज दे रहा है, चैनल जिस मीडियम के थ्रू दे रहा है, और रिसीवर जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर, यानी कि आपकी एजुकेशन के फील्ड में वो स्टूडेंट हो जाएगा. अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स की बात करें तो वही बात जो आपसे कही जा रही थी. Sender, यानी actual process of communication is initiated at the hands of the sender who takes steps to send the message to the recipient. यानी sender ही तो वही है जिसने initiate किया है communication की process को. Message देना, mail करना, WhatsApp पे message देना, class में कुछ communicate करना, ये सब sender का काम है. तो process start यहीं से होती है. फिर encoding, it means giving a form and meaning to the message through expressing it into words, symbols, gestures, graphs, drawings, etc. यानी कि जो teacher है वो जो भी उसका कम्युनिकेशन, जो भी उसको कम्युनिकेट करना है, उसको कोई फॉर्म देगा, कोई स्वरूप देगा, कोई अर्थ देगा, चाहे शब्द में लिखे, चिन्ह में दे, जेस्चर में दे, कोई ग्राफ बनाए, ड्राइंग कर, है ना, यहाँ पे टीचर का काम खत्म. अब मैसेज क्या मैसेज कर रहा है, मैसेज आर मेड ऑफ साइंस और सिंबल्स एंड कोड्स दैट आर सिग्नल्स व्हिच रिप्रेजेंट समथिंग. यानी कि उसका जो मैसेज होगा वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो आपकी संप्रेषण की प्रक्रिया है उसका मुख्य बिंदु है. फिर चैनल या मीडियम किसके थ्रू हो रहा है, इट रिफर्स टू द मेथड और चैनल थ्रू विच द मैसेज इज टू बी कन्वेड टू द रेसिपिएंट. यानी कि जिस माध्यम से वो मैसेज जा रहा है, फॉर एग्जांपल ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, या ये हो सकता है कि हम किसी प्यून से कहलवा दें, या टेलीफोन पे करें, या प्रिंट मीडिया से करें, विजुअल मीडिया से करें, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, वो ये चैनल या मीडियम हो गया. रिसीवर या रेसिपिएंट ये स्टूडेंट है. Technically, communication is complete only when it comes to the knowledge of the intended person, that is the recipient or the receiver. जब recipient या receiver या student message को सुन लेगा, समझ लेगा, जान जाएगा, तभी हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया complete होगी, otherwise वो incomplete रह जाएगी. फिर decoding, हमने आपको message भेज दिया, हमने आपको graph भेज दिया, मान लीजिए आप वो graph समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपने उसको decode किया ही नहीं है, तो तब भी वो इनकम्प्लीट है. डिकोडिंग मींस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रेसिपिएंट टू गेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज एज पर द इंटेंशंस ऑफ द सेंडर. यानी कि जिस इंटेंशन से मैंने आपको सेंड किया है, आप उस मैसेज की मीनिंग को उसी तरह से डिकोड कर लें, तो ये डिकोडिंग है. और लास्ट में फीडबैक, अच्छा भी नॉइज भी है. टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडिंग फीडबैक टू कम्युनिकेशन बाय द रेसिपिएंट टू द सेंडर इज इंपरेटिव. फीडबैक इंप्लाइज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट टू द मैसेज कंप्राइज्ड इन द कम्युनिकेशन. यानी कि मैंने जो भी आपको आपको मान लीजिए कि मैं बच्चे को कह रही हूँ, स्टूडेंट को कह रही हूँ वेल डन, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, थैंक यू मैम, है ना. तो ये फीडबैक जो हमारे मैसेज पे वो फीडबैक दे रहा है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो फीडबैक है.
और नॉइज, देखिए हम लोग नॉइज को जनरली सिर्फ शोर से समझते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा, मैंने जब इसे जाना तो मुझे लगा हाँ इतनी तरीके की नॉइज हो सकती है। नॉइज का मतलब आप इंटरफेरेंस से समझिए, जो व्यवधान आ रहा है। व्यवधान क्या हो सकता है? फिजिकल नॉइज, जिस जो हम लोग एक्चुअली नॉइज का अर्थ समझते हैं कि समथिंग आउटसाइड द कम्युनिकेशन एफर्ट इटसेल्फ, रूममेट प्लेइंग ए लाउड वीडियो गेम व्हाइल यू आर ट्राइंग टू टॉक ऑन द फोन। ये देखिए अब ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये अदरवाइज एग्जाम्पल, आप इसको क्लासरूम परिस्थिति में समझिए कि क्लासरूम, मान लीजिए कि मैम आपको, टीचर आपको कुछ पढ़ाना चाह रही है, लेकिन मान लीजिए आपके कॉलेज के प्लेग्राउंड में 15 अगस्त की ड्रिल की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये क्या है? फिजिकल नॉइज है ना, क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे, बहुत तेज आवाज है, तो ये फिजिकल नॉइज है। सीमेंटिक नॉइज क्या हो सकती है? अ प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसेज, योर प्रोफेसर यूजेस कंप्लीटली अनफेमिलियर टेक्निकल जार्गन। ये देखिए एकदम शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, शांत है क्लासरूम, लेकिन प्रोफेसर या टीचर जो नॉलेज यूज कर रहा है उसमें जो जो टेक्निकल टर्म वो यूज कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी तो एक तरीके का नॉइज है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे। सीमेंटिक का मतलब मीनिंग से होता है ना, तो अनफेमिलियर वर्ड की वर्डिंग्स का यूसेज हो रहा है, इस वजह से आपका बाधक हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे जो वो बोला जा रहा है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल नॉइज, कभी कभी क्या है कि क्लास में भी शांति है, टीचर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो भी आपको समझ में आ रही है, फिर भी नॉइज है, आपके मन में नॉइज है, कोई बायस है, कोई प्रिजिडिस है, कोई प्री डिस्पोजिशन है कि आप जो वो कह रहा है उसका अर्थ नहीं जान पा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि टीचर आपसे, मान लीजिए कि कुछ जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे बात कर रहा है, लेकिन आपके मन में किसी जेंडर के प्रति एक बायस है, तो वो जो बोल रहा है उसके बोलने के बावजूद भी आप नहीं समझेंगे, तो ये फिर साइकोलॉजिकल नॉइज है। और कभी कभी फिजियोलॉजिकल नॉइज, यानी कि वो जो बोल रहा है वो भी सही है, आपको टीचर पसंद भी है, वो भाषा भी आपको समझ में आ रही है, शांति भी है, तो भी एक नॉइज आप फील कर सकते हैं। वो कैसी नॉइज होगी? समटाइम्स यू आर सिंपली नॉट ऑपरेटिंग एट ए फुल कम्युनिकेशन कैपेसिटी, मतलब आप उस कैपेसिटी से सुन ही नहीं रहे हैं जिस कैपेसिटी से आपको सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुन रहे आप? या तो आप बहुत थके हैं, या भूखे हैं, या बीमार हैं। कभी कभी होता है ना कि हमको बहुत तेज भूख लगी है, सारा ध्यान हमारा भूख पे है, खाने पे, ये जैसे ही क्लास ओवर होगी हमको कुछ खाना है, तो टीचर ने क्या बोला उस दिन हम नहीं समझ सकते, तो ये इतनी तरीके की नॉइज है। नॉइज का मतलब इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब कि जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उसके ये कारण हो सकते हैं, उसको नॉइज टर्मिनोलॉजी दी गई है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से सेंडर हैज आइडिया, तो सेंडर ने क्या किया, इनकोड्स आइडिया इन मैसेज, अपने आइडिया को मैसेज में इनकोड करके आपको भेजा, मैसेज ट्रेवल्स ओवर चैनल, चैनल के थ्रू मैसेज आप तक पहुंचा, रिसीवर यानी कि स्टूडेंट ने उस मैसेज को डीकोड किया, फीडबैक ट्रेवल्स टू सेंडर, फिर आपने फिर से सेंडर को फीडबैक दे दिया और पॉसिबल एडिशनल फीडबैक टू रिसीवर, ये सारा आपका एनवायरमेंट है, बीच में नॉइज है। बहुत सारे डायग्राम थे, मैंने ये ले लिया, आपको इसका भी समझ लीजिए कि इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही है, मतलब ये पॉसिबल एडिशनल फीडबैक, इसकी जरूरत नहीं है, ये इतने में भी कम्प्लीट हो सकता है, यहाँ बीच बीच में नॉइज लिख दीजिए आप और ये सारा एक एनवायरमेंट में हो ही रहा है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं संप्रेषण के। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपसे कहा जा रहा है वो आपका, मतलब ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द मैसेज मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड वेदर मेड ओरली और इन राइटिंग, मतलब वो अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, वो समझ में आने योग्य हो, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड इन सच अ मैनर दैट इन इट होना चाहिए, इट इनवाइट्स द अटेंशन ऑफ द रेसिपिएंट। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास में शेयर करने गए हैं और क्लास में बहुत शोर है, बहुत शोर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप बोलकर चले आइए, तो कितने बच्चों ने उसको सुना, कितने, तो पहले आपको स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाना होगा, तभी वो सुन पाएंगे आप जो कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ब्रीविटी, यानी कि वो संक्षेप में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि संक्षेप में करने के चक्कर में आप उसको अधूरा मत कर दीजिए, यानी कि पूरा मैसेज हो, जैसे लिखा है ना कि बैलेंसिंग हमको करनी है तीन फैक्टर्स के बीच में, ब्रीविटी यानी कि वो संक्षिप्त भी हो, स्पष्ट भी हो और संपूर्ण भी हो, तो ये ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत लंबा आप बात बोलेंगे तो फिर ध्यान से कोई नहीं सुनेगा उसको। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, द कम्युनिकेशन मस्ट बी टाइमली, दैट इज इट मस्ट बी मेड एट द हाई टाइम व्हेन नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और जिस दिन स्टूडेंट का क्लास में पहला दिन है आप उसको एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे तो वो नहीं ध्यान देगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन शेड्यूल आ जाएगा तब आप उसको एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से वो उसको ध्यान देगा, क्योंकि टाइमली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी या बहुत बाद में कम्युनिकेशन का कोई अर्थ नहीं। फिर प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस या रैशनैलिटी, लॉजिकल होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, कम्युनिकेशन मस्ट बी ए टू वे प्रोसेस, हमेशा बोला जा रहा है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, दो रास्ते उसके, यानी हम आपको मैसेज देंगे, आप हमको फीडबैक देंगे, ये
मैटर ज्यादा है, आप लिख लीजिए. सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कई तरीके के आपको मिलेगा लिटरेचर, तो मैंने कहा कि आपको ये भी बता दूंगी सेवन सीज भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन के. ये करेक्ट होना चाहिए, यानी कि सही हो, पूर्ण हो, कॉन्क्रीट हो, संक्षिप्त हो, कंसिडरेट हो, आपसे उसका लेना देना हो, कर्टियस हो, क्लियर हो, इस तरह से बहुत सारा मिल रहा है, तो ये भी देख लीजिए आप. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो फिजिकल बैरियर कुछ होते हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस और नॉइज. टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो एक्ट एज बैरियर्स टू द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. द यूज ऑफ टेलीफोन अलॉन्ग विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन वेरी फास्ट एंड हैज टू अ लार्ज एक्सटेंट ओवरकम द स्पेस बैरियर. यानी कि मान लीजिए कि आप जिसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बहुत दूर है आपसे, आप उसको टेलीफोनिकली बताना चाह रहे हैं तो पता चला कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो गया, आप इधर से बात कर रहे हैं उधर से कनेक्शन कट हो गया, मतलब इस तरीके की दिक्कत है. यानी कि जो स्पेस, टाइम और बैरियर का, डिस्टेंस का बैरियर आता है वो एक बैरियर है. नॉइज का बैरियर, देखिए नॉइज कह रहा है ना, इंटरफेरेंस इट अकर्स इन ए सिग्नल एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हियरिंग साउंड्स प्रॉपरली, यानी कि जो बोला जा रहा है उसको आप प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं. लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है टीचर उस लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, नहीं समझ पाएंगे आप. सीमेंटिक बैरियर, इसमें वही बात होगी कि जो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है. कल्चरल, कॉग्निटिव और जेंडर बैरियर हो सकता है ना. कल्चरल बैरियर देखिए अक्सर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आता है जहाँ कल्चरल डिफरेंसेस है, बहुत तरीके की कल्चर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ, तो कलर्स का, सिंबल, एक्शन सबके लिए अलग अलग, सबके लिए मायने हैं, तो यहाँ पे ये कल्चरल बैरियर हो सकता है. कॉग्निटिव बैरियर, कॉग्निटिव बैरियर में इमोशनल और कल्चरल बैरियर मिला के आते हैं, उससे भी आप उन कंसेप्ट का वो अर्थ नहीं समझ पाएंगे जिस अर्थ में वो कहे जा रहे हैं. जेंडर बैरियर है ना, कभी कभी जो सेंडर है, जो टीचर है, उसके लिए किसी जेंडर के विशेष मायने हैं या कुछ स्टीरियोटिपिकल रोल के बारे में वो बात कर रहा है, आप वैसा नहीं समझ रहे हैं, तो जेंडर बैरियर हो जाएगा. फिर उसके बाद इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, अभी टीचर ने थोड़ा ही कुछ कहा है और आप उसको जल्दी से अर्थ पे पहुंच जा रहे हैं, जजमेंट जल्दी दे रहे हैं, पुअर रिटेंशन, आप में रिटेंशन कैपेसिटी ठीक नहीं है, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट, आप अविश्वास करते हैं उस पे जो बोल रहा है, तो ये सारी बातें. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं, डायग्राम से. देखिए फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर में हो सकता है टाइम की वजह से, प्लेस की वजह से, स्पेस की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, नॉइज की वजह से और चॉइस ऑफ मीडियम की वजह से. फिर बैरियर्स कॉज बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम. सीमेंटिक बैरियर में वेरीड कोनोटेटिव मीनिंग्स, यानी कि जो टीचर जिस भाषा में, जिस शब्द के लिए, जिस शब्द का उसके लिए जो अर्थ है आपके लिए वो अर्थ नहीं है. कल्चरल बैरियर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर की वजह से हो सकता है. साइकोलॉजिकल बैरियर मूड, एटीट्यूड, रिलेशनशिप, इन सब की वजह से हो सकता है. और वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की वजह से हो सकता है. आज इसको कि आप कॉग्निटिव बैरियर भी कह सकते हैं. तो इतना कुछ है, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, कंसेप्ट, इसकी प्रोसेस, इसके एलिमेंट्स, इसके प्रिंसिपल्स और इसके बैरियर्स, तब जाके ये कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा. आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि सारा कुछ टीचिंग लर्निंग कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, तो एज अ टीचर हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लास में स्थापित कर सकते हैं. तो जो बैरियर्स हैं उनका ध्यान में रखते हुए, उनको ओवरकम करते हुए आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते. Okay, so in this way, I have completed this very topic. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.